लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खेल जगत की, क्योंकि खेल जगत की रुचि अगर आप रखते हैं तो ये काम की खबर है आपके लिए, क्योंकि इंडिया की जीत हुई है और भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच टाई हो गया है। आपको बता रहे हैं सीरीज पर इंडिया ने कब्जा कर लिया है, टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच टाई हो गया है। दरअसल भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था T20, लेकिन बारिश की तस्वीरें भी नजर आ रही थी जब हम देख रहे थे कि किस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश लगातार बाधा बनने का काम कर रही थी इस मैच के अंदर। लेकिन ये खबर आई और ये कहा गया कि T20 मैच टाई हो गया है और सीरीज पर इंडिया ने कब्जा जमा लिया है। फिलहाल आसिफ रशीद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ, वो पूरी नजर बनाए हुए थे। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। क्या कहेंगे आप, भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच टाई हो गया है और सीरीज पर इंडिया का कब्जा हो गया है? आसिफ, बिल्कुल कब्जा हुआ और ये बड़ी बात है। कुछ सीरीज जो है वो 70 से 75% के आसपास टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम ने खेली, बाकी बारिश भी अपना खेल खेलती रही। पहला मुकाबला शुरुआत वेलिंगटन से हुई थी, हमने देखा था कि 12 बजे के आसपास 18 नवंबर को जब शुक्रवार के दिन पहला मैच था, लेकिन तो बारिश के कारण मैच खत्म कर दिया गया। इसी तरीके पिछला मुकाबला हैं तो 20 तारीख को यानी जो रविवार को मुकाबला हुआ 65 रन जीता सूर्य कुमार यादव, चारों तरफ छाए हुए थे 50 गेंदों में 111 नाबाद पारी। तीसरा मुकाबला था नेपियर में, लेकिन मैच खत्म होना था और पार स्कोर भी उतना ही था, भारत को चाहिए था, लेकिन अगर 1-2 रन ऊपर होते शायद टीम इंडिया डीएल के मैच बारिश से पहले ही अच्छा खेल खेल जाती, जीत जाती। मगर मुकाबला जब से थोड़ी देर पहले टाई घोषित कर दिया गया, टाइम काफी वेस्ट हो रहा था, बारिश हो रही थी और इस तरीके से 3 मैचों की जो T20 सीरीज थी, नया फॉर्मेट वर्ल्ड कप के बाद, उस वक्त जब वर्ल्ड कप सीरीज ऑलरेडी टीम इंडिया से बात की थी और यहाँ पर कप्तान यानी 7 से 8 खिलाड़ी जो इस बार टीम में नए थे और विश्व कप खेलने वालों को अगर आप देखते हैं तो अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार के अलावा चहल भी थे लेकिन वो बेंच पर बैठे रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में क्योंकि उनके लिए नए दौर का बतौर क्रिकेटर सबसे खास बात यह है, ये सीरीज इसलिए भी काफी यादगार बनी है क्योंकि विलियम वाली जो फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड जो वर्ल्ड कप का हिस्सा थी, वो तमाम के तमाम खिलाड़ी इसमें खेल रहे थे, यानी एक तरफ पूरी फुल बैंक स्ट्रेंथ के साथ या फुल प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड की टीम में थी, दूसरी तरफ एक तरह से वो खिलाड़ी जो बहुत कम मैचेस खेले, कुछ को अभी इंडिया के लिए मौका भी कम कम मिला है, वो खिलाड़ी मैदान में थे लेकिन इस तरीके से उन्होंने खेला, खेल दिखाया, कॉन्फिडेंस की लाइन लेंथ एटीट्यूड नजर आया, जबरदस्त तरीके से सही लेवल में बॉलिंग की और आज भी 20 ओवर पूरे नहीं खेलने दिए और अब से थोड़ी देर पहले मैच टाई हुआ, 160 रनों का लक्ष्य था लेकिन 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बनाकर बारिश जब तक आई तब तक टीम इंडिया अपनी पारी समाप्त कर चुकी थी। अब जो इंतजार है वो इस बात का है, थोड़ी देर पहले जो खुला हुआ गज रहे 4 विकेट 17 रन दे के चाठी हर्षदीप सिंह ने लिए, थोड़ी मार पड़ गया आज में वेन इट कम टू बैटिंग में उतना नहीं हो सका, लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके से पूरी तरीके से सीरीज का रुख बदल कर एक पारी में रख दिया सूर्य कुमार यादव ने, उसके लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने हैं, मैन ऑफ द मोमेंट बने हैं और अब इंतजार है अगले 3 ODI मुकाबलों का, 25 तारीख 27 तारीख 30 तारीख टीम यही होगी, वहां पर आपको तेज बाजी भी नजर आएगी, वहां स्पिनर्स भी नजर आएंगे लेग स्पिन रोल में, लेकिन कप्तान का चेहरा बदल जाएगा, शिखर धवन कप्तानी करेंगे ODI में और हार्दिक पांड्या जो है बतौर टीम में वो एज वाइस कैप्टन खेलते रहेंगे। दूसरी बात, शुभमन गिल, संजू सैमसन, उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी जो भी बेंच पर थे इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, शायद ODI में मौका मिले, लेकिन फिलहाल जश्न का माहौल है और टीम इंडिया के कैंप में खेमे में खुशी है। राहुल द्रविड़ भी छुट्टी पर थे इसलिए स्टैंड इन कोच इस समय VVS लक्ष्मण थे, उनकी अगुवाई में इस समय टीम खेल रही थी और जब 2 मैचेस को बुरी तरह प्रभावित इस समय बारिश ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर जो मैचेस के रिजल्ट्स रहे वो एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 55 से 60% के आसपास भारत के फेवर में गए और ये पहली भारत का नहीं बल्कि न्यूज की धरती पर T20 सीरीज जीती है न्यूजीलैंड को हरा, लेकिन सबसे खास बात जो चेहरे थे सब जो है वो भी नए खिलाड़ी थे और कप्तान भी नया था बिल्कुल। आसिफ, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी इंडिया इसी तरीके का प्रदर्शन करे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रख